IIT NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए अब चलते हैं कक्षा 8 की ध्वनि शाला में। आज हम लोग एक ऐसे पाठ पर चर्चा करेंगे जिसका शीर्षक है ध्वनि, और इसको लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। बच्चों, पता नहीं आपने सुना जरूर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में। आज मेरे साथ एक बच्ची बैठी है जिसका नाम है रेणुका। रेणुका, आपने सुना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में? हाँ जी, सुना है। सुना है, और क्या सुना है? उनका कुछ और भी पढ़ा है, इसके पहले भी कुछ पढ़ा है? हाँ जी, उन्होंने सरस्वती वंदना लिखी है। कौन सी सरस्वती वंदना? वीणा वरदे वीणा वादिनी वरदे। अच्छा, ये स्कूल में आज भी गाया जाता है? हाँ जी, गाया जाता है, खूब गाया जाता है। तो वरदे वीणा वादिनी वरदे आप लोग सुनते रहे होंगे, सरस्वती पूजा के दिन सरस्वती वंदना के रूप में इसको बाकायदा आप गाते भी रहे होंगे। लेकिन नहीं याद होगा कि ये निराला जी की लिखी हुई है, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बस इतना ही जान लो कि एक छायावाद इसको काल का नाम बोला जाता है, युग है जिसमें चार बड़े मशहूर कवि हुए हैं, उस युग के कवि हैं। उनमें पहला नाम अगर मैं लूं तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, ये चार महत्वपूर्ण कवि उसमें गिने जाते हैं। और भी लोग हैं लेकिन इन चार को स्तंभ कवि कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को ऋतुएं बहुत प्रिय थी, बहुत से ऋतुओं पर उन्होंने कविताएं लिखी हैं। उन्होंने वसंत पर भी लिखी हैं, उन्होंने वर्षा ऋतु पर भी बहुत सी लिखी है। वर्षा पर तो वो नाम ही लेते हैं, बादल राग। बादल राग इंटरनेट से खोज के पढ़ लीजिएगा, बादल राग। वर्षा पर उन्होंने बहुत सी कविताएं लिखी हैं, एक नहीं बहुत सी, और उन बहुत सी कविताओं में जिक्र आता है बादल राग का ज़्यादा, लेकिन वसंत ऋतु भी उन्हें उतना ही प्रिय है। ध्वनि कविता वसंत ऋतु से संबंधित है, तो ऋतुओं को बहुत पसंद करते थे और ऋतुओं पर कविताएं लिखते थे, तो इसको ऋतु वंदना भी कह सकते हो, जैसे सरस्वती वंदना वैसे ऋतु वंदना। NCERT ने इस पर एक कार्यक्रम पहले बनाया हुआ है जिसका नाम है ध्वनि और काव्य मंजरी नाम से, तो उसका एक अंश जो गाया है वह भी आप सुन लीजिएगा। हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा नेत्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर, जगा एक प्रत्युष मनोहर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रा लस लाल सा खींच लूंगा मैं,
पुष्प पुष्प से तंद्रा लाल सा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वे जहां अनंत, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वे जहां अनंत, है मेरे वे जहां अनंत, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, अभी अभी ही तो आया है, मेरे वन में मृदुल वसंत, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। और उसको सुनने के बाद हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं, मैं थोड़ी सी कविता को पढ़ने के ढंग पर चर्चा करती हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि कविता जब तक हम लोग ठीक से पढ़े नहीं तब तक हम उसके अर्थ को नहीं समझ पाते हैं, तो उसको पढ़ करके देखते हैं। और जब मैं पढ़ूं तो रेणुका यह मत सोचना कि यही सबसे आदर्श है, इससे अलग भी तरीके हो सकते हैं और वह भी उतना ही अच्छे ढंग से कन्वे हो रहा होगा, उतनी अच्छे ढंग से अर्थ हम शायद संप्रेषित कर पा रहे होंगे। जैसे मैं एक बार कोशिश करती हूँ, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है वे मेरे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। इस कविता को पढ़ते ही आपके मन में सबसे पहले क्या ख्याल आता है कि कबीर जी ने ऐसा क्यों कहा कि अभी न होगा उनका अंत, अभी नहीं अंत अंत होगा, क्यों कहा है, आपको क्या लगता है, आप अपने बारे में सोचते हो तो क्या लगता है कि आपका अभी अंत नहीं होगा तो क्यों नहीं अंत होगा? क्योंकि जिस इंसान के अंदर कुछ करने की इच्छा हो, नया जोश या उमंग हो, उसका अंत अभी नहीं हो सकता, उसका अंत कभी नहीं होता क्योंकि इच्छाओं का अंत कभी नहीं होता। वाह बहुत बढ़िया, तो तुम्हें भी बहुत सारी इच्छाएं हैं, तुम्हें भी लगता है कि मेरा अंत अभी नहीं हो सकता, कोई कितना भी रुकावटें आए, कितनी भी बाधाएं आए, है ना जी, तो बाधाएं रिकॉर्डिंग तो आती रहती होंगी, तो तुम्हारा उस वक्त मन कहता है नहीं, निराला को याद करती होगी, इस कविता को याद करती हो, करती होगी नहीं जी, तो लगता है कि अरे अभी तो मेरा अंत नहीं होना चाहिए। साथियों मैं थोड़ा सा बता दूं कि निराला जिस समय कविता लिखना उन्होंने शुरू किया था, एक शुरुआती दौर था, तो उस शुरुआती दौर में निराला के कवित्व को या कवि रूप को सब लोगों ने सहर्ष नहीं स्वीकारा था, आसानी से नहीं स्वीकारा था, कोई भी बहुत ही संघर्ष के बाद कुछ बनता है, चाहे कवि हो या कोई और रूप हो, तो हर रूप बड़े ही संघर्ष के बाद बनता है, निराला भी उतने ही संघर्षशील थे उस समय, और वो संघर्ष के समय की कविता है जब शुरुआती दौर में आलोचकों ने आसानी से उनके कवित्व को नहीं स्वीकारा था, तो कहीं ना कहीं इसमें भाव जो आ रहा है वसंत ऋतु का तो है ही, उसमें यह भाव भी आ रहा है कि जो मैं है मेरा है, ये जो मेरा शब्द आ रहा है, ये जो कवि का मेरा है, कवि का जो मैं है, वो बार बार कहीं ना कहीं उस ओर इशारा कर रहा है कि वह जो लिखता पढ़ता रहा है, वह जो कवि है, वह अपने आप में विश्वास है उसको, उसको कोई हरा नहीं सकता, उसको कोई निराश नहीं कर सकता, उसको कोई उसका अंत नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आलोचक हो, चाहे कोई और हो, कोई भी उसका अंत नहीं कर सकता है, वह जो ठान चुका है वह करेगा। और इस कविता को पढ़ करके आपके मन में भी यही बात आ रही है कि हम जो ठान लेते हैं वह करके दिखाते हैं, ठान लिया कि करना है तो कर लेंगे।
तब इस कविता को थोड़ा सा शुरुआत से पढ़ो कि जैसे शुरुआत ही कवि कह रहा है कि अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अब मेरे वन क्यों कहा होगा भाई, उसका कोई जंगल है क्या? यानी कवि ने कोई जंगल खरीद रखा है? नहीं ना, तो फिर क्या हो सकता है? मेरे वन, वन मतलब जीवन। हाँ, यानी यहाँ कोई अलंकार है। कौन सा अलंकार है? वन रूपी मेरा जो मन है, है ना, जो वन रूपी मन है, मेरा जीवन है। मेरे वन में, मेरे जीवन में, मेरे वन वन रूपी जो जीवन है उसमें अभी तो वसंत आया है, यानी अभी तो कलियां खिल रही हैं, अभी तो खुशबू बिखेर रही हैं, तो अभी नया नया नए नए पत्ते आ रहे हैं, लाल लाल कोंपले आ रही हैं, फूल आ रहे हैं, पूरा सुगंधित वातावरण है, तो ये खिला हुआ खिलने का मौसम है। तो इस खिलने के मौसम में अंत की बात हम कैसे सोच सकते हैं? तो अंत तो अभी नहीं आएगा। तो कहीं वो मन में ये महसूस कर रहा है, वो उत्साह है उसके मन में, उसको विश्वास है, और वो लोगों को कहीं एक चुनौती भरा कह सकते हो संकेत भी कर रहा है, चुनौती भरा निर्देश भी दे रहा है कि नहीं, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो उसका अंत नहीं कर सकते। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वो टक्कर ले रहा है, जमाने से टक्कर ले रहा है, और जमाने से टक्कर लेते हुए कह रहा है कि ऐसा हो नहीं सकता कि उसका कोई अंत कर सके। तो अभी इन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए कि कवि ने मेरा अंत क्यों कहा होगा, और कह रहे हैं वसंत की बात लेकिन फिर भी मेरा कह रहा है, यानी कहीं ना कहीं उस वसंत में वह अपने जीवन को देख रहा है, एक पूरा रूपक चल रहा है। हरे हरे ये पात, डालियां, कलियां, कोमल गात। अब सारा कह रहा है कि कैसा है ये जो पत्तियां दिखाई दे रही हैं, ये जो कलियां दिखाई दे रही हैं, ये पत्ते जो दिखाई पड़े, ये क्या है? यही तो उसके शरीर है, ये जो वसंत है उसका शरीर ये है, यानी ये जो हरापन है, ये जीवन में जो आर्द्रता है, ये जो ताजगी है, अभी तो उस महसूस कर रहा है उस ताजगी को, तो इस ताजगी का अंत वह भी अपने सामने नहीं देख सकता। फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रति, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें कही है कवि ने कि फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्यूष मनोहर। अब प्रत्यूष का मतलब क्या होता है? खुशनुमा। ये सिर्फ नहीं, खुशनुमा सुबह हो सकती है, उषा, उषा इसमें जुड़ा हुआ है ना। प्रत्यूष का मतलब होता है भोर की सुबह, सुबह जो होती है ना, जो भोर यानी बहुत सुबह होने से पहले पहले का समय, सूर्योदय से पहले पहले का समय। तो अभी तो शुरुआत हो रही है, अभी तो सूर्योदय भी नहीं हुआ है, यानी अभी तो उसने लिखना शुरू किया है, अभी तो उसके जीवन में तरह तरह के सपने आने शुरू हुए हैं, और उन सपनों को वह कैसे छोड़ देगा? कह रहा है कि निद्रित कलियों पर, जो सोए हुए कलियां अभी दिखाई पड़ रही है ना, उनको वह प्रत्यूष मनोहर, उनको सुबह दिखा देगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा है लेखक, ज्यादा खूबसूरत बात ये है कि सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा है बल्कि अपने आसपास के पूरे वातावरण में एक बदलाव की बात कर रहा है, कि पूरे वातावरण में वो बदलाव लाने में सक्षम होगा। वो चाहता है कि ये बदलाव, ये ताजगी, ये जो ऊर्जा उसके भीतर दिखाई पड़ रही है, ये ऊर्जा, ये ताजगी, ये बदलाव उसके आसपास के माहौल में भी हो। तो सारी कलियों को खिलने की बात कर रहा है, सिर्फ अपने खिलने की बात नहीं कर रहा है। तो वसंत में जैसे पूरा का पूरा जंगल, ऐसा नहीं है कि एक फूल खिल जाएगा और पूरा का पूरा नहीं खिलेगा, पूरा का पूरा बागीचा खिल उठता है, तो उसी तरह से ये पूरे के पूरे बदलाव की बात कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि देश में बदलाव की बात कर रहा है, केवल एक की बात नहीं कर रहा है, ये एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा है, जन जन में बदलाव, पूरे देश में ये ऊर्जा हो, पूरे देश में ये ताजगी हो, ये माधुर्य हो, ये खिलापन हो, ये खिलने का मौसम जिसको मैं कह रही हूँ, तो ये खिलने का मौसम पूरे देश में दिखाई पड़े, कोई एक नहीं, हर चेहरा उतना ही ताजगी भरा हुआ दिखाई पड़े। ठीक है, फिर वो कहता है कि पुष्प पुष्प से तंद्रालस लाल सा खींच लूंगा मैं। चाहे अगर कहीं भी कोई आलस्य होगा, किसी भी फूल में खिलने में कहीं आलस्य होगा, तो उस फूल की, उस तंद्रा को, उसकी निद्रा को वह खींच लेगा, उसमें कहीं कोई लालस दिखाई पड़ेगा। किसी व्यक्ति में अगर कोई लालसा होगी, कोई ऐसी इच्छा होगी जो नहीं पूरी हो, वो ऐसी उन सबको वो कहीं खींच लेगा। वो कहने का मतलब कि उसमें वो ताकत है, उसमें वो क्षमता है कि हर कह सकते हो संघर्ष के समय को एक ऊर्जावान, ताकतवर, चुनौती भरे समय में बदल सकता है, एक ताजगी भरे समय में बदल सकता है। अच्छा एक बात बताओ, बगीचे में तुम लोगों ने फूलों की सेवा की है कभी, देखा है? हाँ जी। तो कुछ फूल जब नहीं खिलते हैं तो क्या करते हो तुम लोग? उसमें हम लोग पानी डालते हैं। पानी डालते हो और क्या करते हो? खाद डालते हो?
खाद डालते हो, सड़े गले पत्तों को हटाते हो, यानी उसकी निद्रा को तुम दूर करते हो। यही है उसकी निद्रा को दूर करना, मतलब उसमें ताजगी लाना। मतलब कि अगर वह नहीं किन्हीं कारणों से वह रोग युक्त हो गया है, तो उसको रोग मुक्त करने के लिए हमें तरह तरह के उपाय करने पड़ते हैं। बिल्कुल उसी तरह से अगर हमारे समय में, हमारे ज़माने में, हमारे देश में, हमारे लोगों में कहीं किसी तरह की कमी दिखाई पड़ रही है, कोई ऊर्जा किन्हीं कारणों से नहीं दिखाई पड़ रही है, वो ऊर्जा किसी भी तरह की हो सकती है, तो किसी भी कारण से अगर उनमें आलस्य दिखाई पड़ रहा है और वो थोड़े निराशा भरे समय में जी रहे हैं, तो उस निराशा को आशा में बदलने की क्षमता कवि में है। वो खुद कहता है कि मैं बदल सकता हूँ और उसको एक आशावान, ऊर्जावान, एक खिलने के समय में बदल सकता हूँ। सभी लोगों के चेहरों में वो ताकत और ऊर्जा होगी, ऐसा विश्वास। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि जब हमारे भीतर विश्वास होगा तब हम दूसरों को विश्वास दे पाएंगे। किसी दिन तुम उदास होती होगी तो तुम्हें क्या लगता है, दूसरे लोग भी तुम्हें देखकर उदास ही हो जाएंगे, कोई खुश नहीं होगा। तो तुम अगर निराश रहोगी तो तुम्हारे आसपास का वातावरण भी वैसा ही होता है ना। या तुम्हारी मम्मी किसी दिन निराश होगी तो तुम भी थोड़ी उदास हो जाती हो, होता है ना। तुम्हारी कोई मित्र ऐसी होती होगी तभी तुम्हें ऐसा लगता होगा। यानी एक व्यक्ति की उदासी या निराशा दूसरों पर प्रभाव डालती है। तो यहाँ लेखक बहुत ही कह सकते हो बहुत ही सशक्त तरीके से, बहुत ही ऊर्जावान तरीके से कह रहा है कि नहीं, जब तक वह अपनी तंद्रा नहीं दूर करेगा, अपने आलस्य को नहीं दूर करेगा और अपने अंदर एक विश्वास, एक आत्मविश्वास उसके नहीं आएगा, तब तक वह दूसरों में विश्वास नहीं भर सकता है, विश्वास नहीं उनको जगा सकता है। और इसको उसने रूपक किस चीज़ का लिया है, बसंत का रूपक। तो बगीचे के रूपक से, बसंत के रूपक से उसने यह बताने की कोशिश की है। ये छायावाद जिसका मैंने नाम लिया था, छायावाद के समय में जितने भी कवियों ने लिखा है ना साथियों, चाहे प्रसाद जी की कविता पढ़ना, चाहे पंत जी, उन लोगों ने प्रकृति का ऐसा ही उपयोग किया है। उन्होंने अपनी बात, मैं की बात, मैं मतलब अपनी बात, जो अपनी बात कहनी है, अपने ढंग से जो सोचता है व्यक्ति, अपना जो सपना देखता है, वो सब कई बार हम प्रकृति के माध्यम से कहने की कोशिश करते हैं। ये भी एक शैली है, एक तरीका है। तो जैसे तुम किसी और के बहाने से अपनी बात को कह दो, तो उसी तरह से यहाँ भी सीधे सीधे ना कह करके कई बार हम किसी के बहाने से कहते रहे, ये एक शैली है। तो आप जरा सा ध्यान दीजिएगा, जब भी कविताओं को पढ़िएगा तो देखिएगा कि कवि कौन सी शैली का प्रयोग कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या वह किसी के बहाने से कह रहा है, क्या वह सीधे सीधे कह रहा है, तो किस समय की कौन सी विशेषता रही है, यह भी आपको समझ आती चली जाएगी धीरे धीरे। और जब पढ़ेंगे तो और भी जानकारी आपकी हासिल होती चली जाएगी। तो इस पूरी कविता में द्वार, अब अंतिम पंक्तियों पर आ जाते हैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां आनंद। अब और एक ध्यान देने की जरूरत है, मेरे वे जहां आनंद। अब मेरे कौन भाई, कौन है उसका आनंद, सवाल उठता है ना मन में, है वह मेरे जहां आनंद। तो द्वार दिखा दूंगा उनको, अनंत अनंत इच्छाएं, यानी बहुत सारी इच्छाएं जो उसकी है, जहां पर कहां है, जिस द्वार के से खुल करके जाएगा। तो मैं सारी तंद्रा को, निद्रा को, जहाँ कहीं निराशा है, जहाँ कहीं तंद्रा है, उन सब को, निद्रा को हम किस में बदल देंगे, एक ऐसा दरवाज़ा दिखा देंगे जहाँ से सिर्फ क्या दिखाई पड़ता है, वो सपने दिखाई पड़ते हैं, वो सपने जो पूरे हो रहे हैं, वो सपने जो हम पूरे कर सकते हैं, वो सपने जो हम अपने कोशिश करें तो पूरे हो सकते हैं। हम थोड़ा सा अपने को सचेत रखें, सजग रखें। तो सजगता, सचेतता कैसे हमें अपने उस मंजिल तक पहुंचाती है, उस जिस लक्ष्य तक हम जाना चाहते हैं, जिस लक्ष्य और जिस मंजिल तक हम पहुँचना चाहते हैं, उस लक्ष्य और मंजिल को कैसे पाने में मदद करती है, ये कवि ने इस कविता में कहने की कोशिश की है। सजगता और सचेतता और एक तंद्रा को छोड़ भूलना और सपने को देखना, ये बहुत ज़रूरी। सपनों के देखने की बात तो और लोगों ने भी बहुत से की है, किसने की है बताओ, महात्मा गांधी जी ने सपने की। सब लोग कहते हैं कि सपने देखो, लेकिन आंख बंद करके नहीं, खुली आंखों से, है ना। और किसने, एक बहुत नाम लिया जाता है, वैज्ञानिक है हमारे देश के, अब्दुल कलाम। हाँ, अब्दुल कलाम जी, उन्होंने भी सपनों के बात कही है। बहुत से लोग आज कल कह रहे हैं, शिक्षा की दुनिया में हम अक्सर ये चर्चा करते हैं। तो सपने देखना, खुली आंखों से सपने देखना, यानी कुछ लक्ष्य लेके चलना,
कुछ मंजिल तय करके चलना, ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। अगर हम लक्ष्य विहीन होंगे, अगर हम मंजिल विहीन होंगे, हाँ तो हमारे रास्ते पर चलना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तुमको पता है कि किसी दिन रास्ते पर या तो यूं ही घूमते हुए चलो, वो भी मज़ा आएगा। उसमें तुम्हारा लक्ष्य होता है कि तफरी करना, घूमना, रास्ते के पेड़ों को देखना, रास्तों को जानना। लेकिन जब मंजिल तय होती है तो तुम्हारे चरण जो है थोड़े तेज हो जाते हैं, तुम्हारे पांव जो है और तेज चलने लगते हैं और आगे आगे चलने पड़ते हैं। तो ये इस कविता की बहुत बड़ी विशेषता है। चलो थोड़ी सी बात करते हैं, कविता पढ़ते हुए कुछ चीज हमारे, कुछ बातें हमारे ध्यान में आई होंगी, जैसे अभी न होगा मेरा अंत। अब इसकी दूसरी पंक्ति कोई बनाओ तो जरा, कविता के साथ खेलो, शब्दों की के साथ खेलो, कोशिश करो। अभी अभी इसने तो दूसरी पंक्ति जोड़ी है, लेकिन आप अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों मित्रों के साथ, अपनी बहनों भाइयों के साथ इस खेल को करो और अगली पंक्ति जोड़ने की कोशिश करो। अंत के साथ कितने दुख हो सकते हैं, कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, सबसे पहले क्या करो कि अंत के साथ कौन कौन से दुख हो सकते हैं, कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, उन शब्दों की एक लिस्ट बनाओ, सूची बनाओ और उन शब्दों को फिर अपने सपनों के साथ पिरो दो। कोशिश करो, है ना, कंत हो सकता है, संत हो सकता है ना, बहुत कुछ हो सकता है, अनंत हो सकता है, अनंत तो कवि ने भी प्रयोग किया है ना, मंत्र हो सकता है, बहुत मंत्र हो सकता है, बहुत सी चीजें हो सकती हैं। तो कोशिश करो कि तुक वाले जो शब्द हैं उन तुक वाले शब्दों को पहले एक सूची बनाओ और उन तुक वाले शब्दों को फिर अपनी इस लाइन में, अपनी पंक्ति में डालने की कोशिश करो। ये खेल करके देखो, बड़ा मजा आएगा, बहुत सारे शब्द तुम सीख पाओगे इससे, शब्दों की लयात्मकता को समझ पाओगे, शब्दों के अर्थ को भी समझ पाओगे, यानी शब्द भंडार भी बढ़ेगा, अर्थ भी समझ में आएगा और भाव भी समझ में आएगा, बहुत सी चीजों पर आप बात कर। साथ ही एक और कोशिश करो कि अगर मान लो गांधी कहते कि अभी न होगा मेरा अंत, तो क्या करते, क्या निराला की तरह ही बात करते गांधी, या कुछ और कहते, क्या कहते? वे कहते अभी न होगा मेरा अंत, अभी तो मुझे है जो मेरी इच्छाएं अनंत, हाँ अभी तो मुझे बढ़ना है। कहाँ बढ़ना है, क्या करना है, देश को आजाद कराना, देश को आजाद करना। तो इसको जरा कविता में बांध करके कोशिश करो, करना है ना, कविता बनाने की कोशिश करना। इसी तरह से एक जैसे कोरोना समय है, अभी कोरोना के काल में हम लोग अगर उत्साह से भर करके और बहुत ही मेहनत से, बहुत सचेतता से, संघर्ष से जो लगे हुए हमारे वॉरियर, जिसको हम लोग कह रहे हैं डॉक्टर हैं या और भी, केवल डॉक्टर नहीं है, नर्स हैं, जो लोग भी काम कर रहे हैं, वो सारे लोग काम कर रहे हैं, तो वो सारे लोग क्या कहते होंगे, अभी हम किसी भी तरह से थकेंगे नहीं, तुम चाहे लाख कोशिश करो कोरोना। तो उनके लिए एक कविता बना के कोशिश करो, उनके लिए एक पैराग्राफ लिख के कोशिश करो, अनुच्छेद बनाओ और तुम देखो वो कहेंगे तो क्या क्या कहेंगे, है ना? अभी तो मुझे कोरोना से लड़ना है। घर पे बैठ के हमें कोरोना को हराना है। तो हराने के लिए क्या करना होगा, अभी तो हम सबको बिल्कुल उत्साह से परिपूर्ण रखेंगे, किसी का उत्साह खत्म नहीं होने देंगे, किसी को हारने नहीं देंगे, किसी को हारने, जो मन से हार जाता है ना वो शरीर से भी हार जाता है। तो मन से नहीं हारने देने की कोशिश करनी है इस समय में, तो अलग अलग क्षेत्रों में। अब यही बात अगर मान लो पर्वतारोही है, पर्वत पे चढ़ रहा है ना, एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ रहा है, तो वो पर्वतारोही क्या करेगा, अरे अरे आओ, कोई असंभव शब्द नहीं है इस तुम्हारी डिक्शनरी में, तुम्हारे शब्दकोश में, अपने साथियों को क्या कहेगा, असंभव नहीं है, एकदम चलते चलो आगे, अब बस जरा सा रह गया है, अब जरा सा रास्ता रह गया, यही कहेगा ना, वो नहीं कहेगा कि एक बहुत लंबा रास्ता है, बहुत ज्यादा ऊंचाई है, यानी थोड़ा थोड़ा करके हम अगर आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हमारी मंजिल हमारे साथ होगी और हम जिस लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं। तो हर क्षेत्र में झांकने की कोशिश करो, चाहे वो पर्वतारोही का क्षेत्र हो, चाहे डॉक्टर्स का देख लो, चाहे वैज्ञानिक की दुनिया देखो, चाहे संगीतकार की दुनिया देखो, तो संगीत की दुनिया भी और हमारे मजदूर और किसानों की दुनिया भी देखो, जो मजदूर किसान कैसे कहेंगे, चाहे कितनी भी वर्षा क्यों ना हो वो हारते नहीं है, एक बार फसल खराब हुई दूसरी बार फिर लगाते हैं और फिर फसल लगाते हैं और फिर से फसलों का इंतजार करते हैं, फसलों के पकने का इंतजार करते हैं, फिर से काटते हैं, तो वो किसी भी हाल में हारते नहीं है, चाहे स्थितियां कितनी भी खराब हो। तो इन सारी चीजों पर हमें देखना पड़ेगा। अब इसमें देखो हरे हरे ये पात शब्द आया है, ये हरे हरे शब्द क्यों आया है भाई, दो बार क्यों कहा होगा कवि ने, सोचा है कभी आपने, पुष्प पुष्प आया है,
पुष्प पुष्प से खींच लूंगा तंद्रा लस पुष्प पुष्प से वाला जो आया है, क्यों आया है हरे हरे ये पात, क्यों आया है हरे हरे? एक तो हमारा ये अलंकार होता है। क्या अलंकार होता है? यामक अलंकार। यामक तो तब होता है जब एक शब्द का दूसरा अर्थ हो और दूसरे शब्द का दूसरा। ये पुनरुक्ति है, ये पुनरुक्ति अलंकार है। लेकिन पुनरुक्ति तब होता है जब दो बार आए हैं वही शब्द लेकिन उसका अर्थ अलग नहीं होगा। दोनों हरे का शब्द, हरे का मीनिंग एक ही है, लेकिन जब एक हरे का अर्थ दूसरा होता तो यमक हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर वह बात नहीं कही है। अब कोमल गात शब्द आया है। कोमल क्या है यहाँ पर? गात क्या है? गात मतलब गात यानी शरीर। शरीर और कोमल, कोमल जो है वो उसकी विशेषता। अगर मान लो तुम्हें ये कविता लिखनी होती तो कोमल की जगह कौन सा शब्द लिखती, कौन सा विशेषण लिखती? सुंदर शरीर। सुंदर और भी और कुछ लिखती? बहुत सी चीजें। निर्मल शरीर होता, वाह बहुत सुंदर है। निर्मल शरीर। तो ऐसे बहुत से शब्द आपको मिलेंगे। अब एक और काम करना, अभी तो बहुत से समय है रेणुका, आप भी करो, अपने साथियों को भी बताओ, और आप लोग भी साथियों ये जरूर करना कि वसंत पर और भी बहुत सी कविताएं आपने पढ़ी भी होंगी, सुनी भी होंगी, और आपको इंटरनेट पर भी मिल सकती हैं। कुछ पुरानी कविताएं उठा लीजिए, किताबें उठा लीजिएगा, पत्रिकाएं उठा लीजिएगा, उन पत्रिकाओं से वसंत संबंधी कविताओं का एक संचयन तैयार करिए। खुद वसंत संबंधी संचयन उन कविताओं को चुनिए जो आपको पसंद हो। और एक और काम करिएगा कि उन कविताओं को जब संचयन करिए तो आप ये भी करिएगा कि उसकी एक भूमिका भी लिखिएगा, छोटी सी, छोटी सी भूमिका। अब उसमें क्या लिखोगे? ये लिखो कि ये कविताएं क्यों पसंद है, पहली बात तो ये आ जानी चाहिए। फिर इन कविताओं में 10 कविताएं या 20 कविताएं आपने चुनी तो उन 10 और 20 कविताओं में आपको क्या अंतर दिखाई पड़ रहा है, क्या अलग दिखाई पड़ रहा है, उसको एक पैराग्राफ में लिख दो। फिर ये भी लिख सकते हो कि कौन से नए शब्द आपको जानने को मिले, कौन से नए क्षेत्रों के बारे में जानने के मिले और कौन से नए शब्द आपको जानने को मिले, यह भी लिखना। तो कोशिश करो और आप पाओगे कि एक बड़ी सुंदर सी किताब आपने खुद बना दी है, खुद एक चयन तैयार कर दिया है, और ये चयन आप अपने साथियों को भी सुनाइए, अपने अध्यापकों को सुनाइए और अपने आस पड़ोस वालों को भी सुनाइए। मैं समझती हूँ कि आप वसंत को सुनाते सुनाते आप वसंत से परिपूर्ण हो जाएंगे और ताजगी, उत्साह और ये कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। आज ध्वनि पर हम इतनी ही चर्चा करेंगे लेकिन इस कविता के संदर्भ में और भी बातें हम आपसे करते रहेंगे, लेकिन आज की चर्चा यही खत्म होती है। साथियों, अभी आपने सुना पाठ्यचर्या पर आधारित ध्वनिशाला। निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती और तनु गुप्ता। ध्वन्यंकन शानू मुक्सीम और विकास सांगवान। निर्माण अजीत होरो। तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।